नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर से एक बार। मैं हूँ आपकी वही अंजलि। तेरे नाम को अपने लबों पर सजाया है हमने, तेरी रूह को अपनी सांसों में बसाया है हमने। थक जाएगी दुनिया तुम्हें ढूंढते ढूंढते, दिल के ऐसे कोने में तुम्हें छुपाया है हमने। जी हाँ, आपने सही सुना, हम आज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज इनका बर्थडे है या एनिवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी गुड विशेस। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जिंदगी में कभी भी कठिनाई आए तो उदास मत होना, बस ये याद रखना कि मुश्किल रोल एक अच्छे एक्टर को ही दिया जाता है। अगर आपको कोई कठिनाई आती है तो कभी भी उदास मत होना, उस कठिनाई के साथ लड़ो और उसे हरा कर दिखाओ। जो सिरफिरे लोग होते हैं वही इतिहास लिखते हैं, समझदार लोग तो सिर्फ उनकी कहानियां पढ़ते हैं। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बाकी खुद अच्छे बन जाओ, आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर आप चल नहीं सकते तो रेंगते हुए चलो, हमेशा आगे बढ़ते रहो। मोटिवेशन की आग से किसी सोए हुए व्यक्ति को जगाया जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति सोने का ढोंग कर रहा है उसे कैसे जगाएं? तो चलिए बात करते हैं आज के डेली राशि फल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए भाग्यशाली अंग यानी लकी कलर रहेगा केसरी, और शुभ अंक रहने वाला है 6। आज का जो दिन है वो आपके लिए बहुत ही कुछ खास लेकर आ रहा है या आने वाला है। आपको अपने वरिष्ठों से काफी अच्छी चीजें सीखने को मिल सकती है, वैसे भी ये लाइफ हमारी सीखने के लिए ही है। लोग आपकी क्षमताओं पर भरोसा करेंगे, आपकी योग्यता पर विश्वास जताएंगे, आपको बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। बेहतर परिणाम लाने के लिए काफी मोटिवेशन भी आपको मिल सकता है। अपने खास जीवन में दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है आज का। केवल आपको अपनी पीठ का ध्यान रखने की सलाह ऐसे सितारे दे रहे हैं। आज ये समय अपने परिवार और दोस्तों के साथ बिताने का है। बच्चों के साथ बिताए गए पल आपको नई ऊर्जा और सफुर्ती प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों का बुरा साथ मिल सकता है। उच्च शिक्षा संबंधी कुछ सूचनाएं भी मिल सकती है बच्चों को। आमोद प्रमोद और मनोरंजन में काफी हद तक समय आपका स्पेंड हो पाएगा। इस समय कोई भी इम्पोर्टेंट फैसला लेना आपके पक्ष में शुभ नहीं हो सकता, इसलिए आज शांति बनाए रखिए, शांत रहेगा। धन से रिलेटेड अपव्यय भी हो सकता है, भाई बहनों के संबंध भी खराब मत होने दीजिएगा, इसका विशेष रूप से आज आपको ध्यान रखना ही होगा। आज का दिन आपके लिए बहुत कुछ खास और भी लेकर आने वाला है। आपको अपने जो दोस्त हैं, मित्र हैं, उनसे सीखने को बहुत ही कुछ मिल सकता है, जिससे आप काफी हद तक चीजें अच्छी कर सकते हैं, ऐसे सितारे कह रहे हैं। वहीं आज आपको धैर्य भी बनाकर रखना होगा। कुछ मामलों में आपको गलत जानकारी मिल सकती है, या फिर किसी बात को समझने में आपसे या आपसे जुड़े लोगों से कोई गलती भी हो सकती है, इस कारण थोड़ा तनाव पैदा तो होगा ही। आपको आज चीजों को शांति से ही हैंडल करना पड़ेगा। अविवाहित लोगों के लिए सितारे सलाह दे रहे हैं कि अगर आप अपने लिए किसी साथी का चयन करने की सोच रहे हैं तो उसे समझदारी से फैसला लें तो बेटर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। आपका पूरी तरह से व्यवहारिक दृष्टिकोण आपके अंदर की जो ऊर्जा है उसको बल प्रदान कर सकता है। आप दिलों और दिमाग का सामंजस्य स्थापित करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। रिस्क वाले कार्यों में सफलता मिल सकती है। परिवार की सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होती नजर आ रही है। कभी कभी बाहरी लोगों पर ज्यादा विश्वास आपको बहुत ही नुकसान पहुंचा सकता है, और अचानक से ही किसी की वजह से कोई बनता बनाया जो काम है वो भी बिगड़ सकता है। इसलिए मैं ये सलाह देती हूँ कि आज आपको जो है किसी पर भी आंखें बंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। पहले सोच और विचार कर लीजिए, उनको देख लीजिए कि वो कहाँ से बोलते हैं, कहाँ से बात कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको आज विशेष रूप से इस बात का ध्यान भी रखना है। आगे बढ़ती है लव लाइफ की तरफ। तो लव लाइफ की आज कहती है कि बाहर के व्यक्तियों का हस्तक्षेप आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियों का कारण बन सकता है, जिसका असर आपके परिवार पर हो सकता है।
बेहतर तो यही रहेगा कि एक दूसरे के कार्यों में बिल्कुल भी हस्तक्षेप ना करें, जो जैसा है वही रहे, अपने काम में लगे रहे। आपका साथ ही आपके भविष्य को प्रभावित भी करेगा। आज के दिन में शांत भी रहना होगा, बेहतर होगा कि किसी के साथी का चयन करने में आपको समझदारी बरतनी होगी, या जब किसी की राय या फिर मशवरा ले सकते हैं। एक दूसरे का सहयोग आपसे संबंधों में मधुरता प्रदान कर सकता है। अपने जीवन साथी को खुश रखने के लिए आपका ये आज एक इम्पोर्टेंट योगदान भी रहेगा। आपका जो साथी है आपको बुद्धिमान और आकर्षक भी लगता है। वे आपके साथ अपनी बातों को साझा करना चाहता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा उनकी सुनिए, उनके साथ स्पेंड समय बिताइए तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिजनेस और करियर की तरफ। बिजनेस और करियर आज कहते हैं कि इंस्टीट्यूट संबंधी व्यवसाय से जुड़े जो लोग हैं, आज अपनी बनाई हुई योजनाओं को क्रियान्वित करें। सफलता तो मिलेगी और निकट भविष्य में उसका लाभ भी आपको अच्छे से देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ में पब्लिक संबंधी काम भी में भी गति आ सकती है, तेजी आ सकती है। आपके बॉस आपको अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। वे जानते हैं कि आप बेहतर काम करने में काफी ज्यादा सक्षम हैं। आपकी टीम के साथी के साथ कोई गलत फहमी हो सकती है। शांत रहिए, चीजें बेहतर धीरे धीरे होती चली जाएंगी। अगर आप दूसरों की सलाह लेने की अपेक्षा अपने फैसले को मान्य रखेंगे तो आपके लिए और भी ज्यादा फायदेमंद रहेगा आज के दिन। लेकिन ये चीज आप में से कुछ लोगों पर हो सकती है। ये समय भाग्य की अपेक्षा कर्म पर विश्वास करने का है, और आप अपने बौद्धिक बल पर उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। इसलिए कर्म लगातार करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए बात करते हैं आज स्वास्थ्य और हेल्थ के बारे में। तो इस समय अपना रक्तचाप नियमित चेकअप करवाते रहिएगा। कार्य की अधिकता और दिमाग पर ज्यादा जोर रक्तचाप को अनियंत्रित कर सकता है, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। दांतों का दर्द आप में से कुछ लोगों को हो सकता है, जिससे आपका जो मूड है उससे प्रभावित भी हो सकता है, ये नेचुरल बात है। आपको कमर दर्द भी हो सकती है, सावधान रहिएगा। वजन उठाने में सावधानी आज के दिन आपको बरतनी ही होगी। किसी को चोट लग सकती है, कोई घटना हो सकती है, इसलिए वाहन भी ध्यान से चलाना होगा। प्रकृति के ज्यादा से ज्यादा नजदीक रहना आपको सुकून पहुंचा सकता है, यानी कि आपको जो है खुली हवा में सोना चाहिए। रात को स्पेशली अगर आप खुली हवा में सोते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपकी सेहत में नजर आने शुरू हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। तो आज का जो विशेष उपाय रहेगा कि आज आपको घर में अपने माता पिता की सेवा तो करनी ही चाहिए, साथ ही साथ में अपने भाई बहनों की नाराजगी को दूर करना चाहिए। और हाँ, अगर आज आप अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करते हैं, या फिर अगर आपके गुरु धारण किया है उनके मंत्रों का जाप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आने वाले दिनों में आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। इसे घर में भी शांति रहेगी, आपके अंदर भी शांति का भाव अपने आप आने लगेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।